हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो सीएसएस कलर्स। तो सीएसएस कलर के नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम कलर करना सीखेंगे अलग अलग तरीक़ों से। तो देखो आप कैसे कैसे कलर करते हैं और किस तरह कलर का यूज़ किया जाता है। सीएसएस कलर आर स्पेसिफाइड यूजिंग प्रीडिफाइंड कलर नेम आरजीबी हैक्स। ये सब प्रीडिफाइंड है ऑलरेडी, इनकी वैल्यू अभी धीरे धीरे पता चलेगी कैसे यूज़ किए जाते हैं। CSS इन कलर नेम स्पेसिफाइड यूजिंग द प्री डिफाइंड कलर नेम। ये कलर के नेम से डिफाइन करे गए हैं कौन से कलर को क्या कहते हैं। ये ऑरेंज कलर है, ये मीडियम सी ग्रीन है, ग्रे है, स्टेट ब्लू, लाइट ग्रे, वॉलेट। अब देखो CSS में बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी कैसे यूज़ की जाती है और टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी किस तरह यूज़ की जाती है। तो देखो CSS बैकग्राउंड कलर, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर और फॉर HTML एलिमेंट। मैं आपको डायरेक्टली वही दिखा देती हूँ प्रैक्टिकली करके, टेक्स्ट कलर कलर भी बता दूँगी इसमें आपको, बैकग्राउंड कलर दोनों चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारी लास्ट फाइल है, इसका आउटपुट दिखा देती हूँ मैं। ये रहा आपका आउटपुट, रिफ्रेश करके इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये comment.html नाम से फाइल को सेव किया गया है और यहाँ पर भी comment.html के नाम से फाइल सेव है। अब देखो यहाँ पर तो स्टाइल में एक बार HTML की फॉर्म में दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा स्टाइल और इसके अंदर मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया रेड, तो ये है ही रेड, पे रेड नहीं दिखेगा, ब्लू। बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया यहाँ पर ब्लू। फाइल को सेव किया और रिफ्रेश करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये आ गया बैकग्राउंड कलर। अगर आप चाहते हो फॉन्ट कलर चेंज करना तो इसी के अंदर आप लिख दो यहाँ पर कलर और कलर का कुछ वैसे, ये रेड कलर है ऑलरेडी, मैं इसे येलो कर देती हूँ। येलो से फाइल सेव करी, ऊपर से हटा देते हैं। फाइल को सेव किया और ये देखो यहाँ पर रिफ्रेश, ये हो गया आपका कलर येलो। ये ब्लू पे येलो इतना खास दिख नहीं रहा है, आगे देखते हैं। अगर आपको टेक्स्ट कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे बैकग्राउंड कलर कैसे होता है। माई हेडिंग में यहाँ पे करके एक बार और ट्राई कर लेते हैं, CSS से देखते हैं। चलो छोड़ो, पैराग्राफ में गए यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं कलर। कलर लिख दिया मैंने, इसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट, वाइट पे वाइट तो दिखेगा नहीं, तो इसके लिए हमने दे दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर दे दिया आपकी बार, वन सेकेंड में देख ही लेती हूँ, कोई कलर माइंड में नहीं आ रहा है इस टाइम मेरे अभी। हाँ तो इनमें से कौन सा कलर देना चाहेंगे हम, नो ये दे दे। फाइल को सेव किया, क्रोम पे चेक करो फाइल, रिफ्रेश करके ये आ गया पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर और वैसे वाइट कलर, मतलब जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। कलर आपको आ गया होगा, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों ही मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिए हैं। ये नोट्स या PDF आपको कहीं चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाके डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ईजिली मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। CSS बॉर्डर क्या होता है, CSS बॉर्डर कलर ये भी देख लेते हैं। CSS बॉर्डर कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम अपने सबलाइन टेक्स्ट में ही जाते हैं और यहाँ पर डालते हैं बॉर्डर और इसके अंदर लिखा मैंने 2px। 2px है साइज सॉलिड और इसमें डाल दिया अब हमने रेड ग्रीन, ग्रीन डाल, ग्रीन चलो ग्रीन ही डाल दें ग्रीन। फाइल को सेव करेंगे, ये आ गया आपका ग्रीन कलर का। अब यहाँ पर ये मैंने इसमें क्या डाला है ये बता देते हो। सॉलिड का मतलब है किस टाइप का चाहिए, सॉलिड की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे लिख दिया डॉटेड। फाइल को सेव करो और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखो क्रोम पे, ये हमारा रिफ्रेश, ये डॉटेड बॉर्डर आ चुका है, दिख रहा होगा आई होप आपको।
इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ जिससे कि आपको ये और अच्छे से दिख जाए। फ़ॉन्ट साइज़ ये कर देते हैं 50px, रिफ्रेश। आप देखो ये डॉटेड बॉर्डर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, ये ग्रीन भी नहीं दिख रहा तो इसका चलो कलर चेंज कर देते हैं। ग्रीन की बजाय हम यहाँ पर येलो लिख देते हैं, अब दिख जाएगा। ओह येलो का डब्लू रह गया इसलिए दिख नहीं रहा है। ये येलो कलर का डॉटेड बॉर्डर आ गया है, डॉटेड को हटा के आप इसकी जगह सॉलिड में बता चुकी हूँ। हाँ डैश डबल डबल लिख दिया, ये टाइप होते हैं बॉर्डर के। ये देखो डबल बॉर्डर आ गया इन पे। अब आगे देखते हैं हम अपने, इसमें कलर भी हो चुका है, बैकग्राउंड बॉर्डर कलर भी हो गया, CSS वैल्यू। अगर आपको RGB कलर देना हो तो RGB कलर कैसे दोगे? यहाँ पर देखो कलर की अलग अलग वैल्यू होती हैं, जैसे हेक्सा, RGB, HSL वैल्यू, ये सब अलग अलग होती हैं। तो अब देखो RGB कलर कैसे दिए जाते हैं। हम अपने सबलाइन टेक्स्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की जगह मैं लिख देती हूँ RGB। RGB में रेड ग्रीन ब्लू, इसका मतलब होता है जैसे आपको 30 देना है, कॉमा 20 देना है मुझे ग्रीन, और ब्लू चाहिए सपोज मुझे 10। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश। ये देखो इस तरीके से कलर चेंज होता है। आप रेड ग्रीन ब्लू में मतलब कौन सा कलर कितना कम या ज़्यादा रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। और हेक्सा कलर क्या होते हैं? हेक्सा कलर ये होते हैं कोड वाले कलर। इन्हें किस तरह लिया जाता है? अपने ही क्रोम पे जाओ और यहाँ पर सर्च करो हेक्सा कलर। हेक्सा कलर कोड अब यहाँ पर, ये आपको पहले ही लिंक पे क्लिक करना, यहाँ से आप डायरेक्टली कलर कोड देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है। कुछ कलर कोड वर्क करते करते याद भी हो जाते हैं काफ़ी टाइम। या फिर यहाँ पर पिकर, ये डाल ये रहा हेक्सा कलर पिकर। फ्री डाल दोगे तो फ्री में भी मतलब फ्री मिल जाते हैं, कुछ परचेसेबल भी होती हैं वेबसाइट्स, यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो कोई भी। आई थिंक मेरा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। अच्छा मैं एक्सा कलर यहाँ से लेके दिखा देती हूँ। इस टाइप में ये आपका कोड मिलेगा, वहाँ से भी इसे कॉपी कर लिया। और आपको ये यहाँ पर लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। जहाँ पर आपने RGB लिखा है इसे कट करके कलर की जगह कोड को पेस्ट कर दो। फाइल को सेव करो और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखो, ये आ गया आपका कलर। ओके बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट है HSL सेम एज कलर नेम टैटू। आप वहाँ पे कलर की जगह इसे पेस्ट करके देख लेना, सेम टू सेम आ जाएगा। RGB ये भी कलर होता है, ये भी अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, इसमें से आप कोई भी कलर किसी भी तरीके से यूज़ करके देखोगे तो आपको ये एक बार में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए सब चीज़ें दी हुई भी हैं, ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। कॉपी ये आपके हर टाइप के कलर आ गए, हेक्सा वगैरह जो भी किसी भी तरीके का जो भी आपको यूज़ करना है वो उस टाइप में। अब देखो बैकग्राउंड इमेज, चलो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके बैकग्राउंड इमेज वगैरह कैसे लगाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये आपका M2 ओ लेवल का लेक्चर नंबर 6 है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी काम की लगी हो आपको तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक, ये आपकी मर्जी है।